महानगर में प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ईसाई धर्म के अनुयायियों ने शहर के सभी चर्च में प्रार्थना सभाओं के साथ कैरोल गीत गुनगुनाया, केक खिलाकर लोगों को एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। शहर के सभी चर्च को बिजली की रोशनी से सजाया गया। यीशु के जन्म की आकर्षक झांकी सजाई गई। आपको बता दें, क्रिसमस पर्व पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में बुधवार को विशेष प्रार्थना सभा की गई। प्रार्थना सभा में सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीहा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस संबंध में चर्च के मैनेजर ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बताया कि हमें यीशु के जीवन संदेश को अपनाना चाहिए। प्रभु यीशु के जीवन से आप सीख सकते हैं कि आपको जीवन में कैसे जीना चाहिए और दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसी प्रकार फुल गॉस्पल चर्च मोती पोखरा बशारतपुर में बड़े दिन की आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च के जवानों ने कैरोल सॉन्ग गाया और पास्टर एलेक्सिस के द्वारा गरीबों को कंबल वितरित किया गया, जिसमें एबी लाल, मोनिसा लाल, राजकुमारी, डब्लू फिलिप आदि शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चर्च के मैनेजर और आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और रिलेटिव्स के पास जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और ढेर सारे गरीबों को गिफ्ट देते हैं। इस तरह से हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्या मान्यता है क्रिसमस का? मान्यता है ईसा मसीह ने पहले भी अपने ज़माने में गरीबों के लिए, इस दुनिया के लिए काफ़ी कुछ किया था, तो ये एक संदेश देते हैं हमें भी उनकी तरह नेक काम करके अपने देश को ऊंचाई तक पहुंचाना है। मेरा नाम साधना यादव है, आई एम फ्रॉम गोरखपुर। हेलो गोरखपुर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। संध्या पांडे, आज क्रिसमस डे है और हम लोग बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत लोग आए हुए हैं और मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग कैंडल जलाने आए हैं। और किसके साथ आए हैं यहाँ पे? आज हम लोग अपने फ्रेंडों के साथ आए हैं और हम लोग खूब आज यहाँ पे मस्ती करने वाले हैं। अनीता गुप्ता, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम लोग कैंडल और गुलाब से सजाते हैं, मनाते हैं, केक काटते हैं और अपने बच्चों को लेकर इंजॉय करने आए हैं। हर साल आते हैं सर। इनायत खान, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ के हम लोग को बहुत खुश भी है। क्या क्या किए आप? बहुत ज़्यादा घूमे हैं, मस्ती किए दोस्तों के साथ, बस। वंदना वर्मा बोले तो बोले बहुत इंजॉय से आज पहली बार हम आए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और सबके साथ आने पे जो अलग सा खुशी होता है वो आज हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्या क्या किए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आके बहुत ढेर सारा फोटो खींचे हम लोग और बस यही सब।
अभी बहुत सारा बच्चों को घूमना है, कैंडल जलाए हैं, प्ले किए हैं। किसके साथ आए हैं आप? अपनी फ्रेंड ग्रुप से आप? माय नेम इज़ आरती। के सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ भी है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया। क्या क्या किए हैं आप? सेल्फी लिए हैं, प्रे किए हैं, कैंडल जलाए हैं और काफ़ी सारे सेल्फी ले रहे हैं अभी तक। यहाँ पे मेरा दूसरी बार है यहाँ पे। किसके साथ आए? यहाँ पे हम अपने फैमिली के साथ ही आए हैं। क्या नाम? और फ्रेंड हैं, मेरी दी हैं, भाभी हैं और मेरी सिस्टर लोग हैं और कुछ फ्रेंड भी हैं। अमर जॉय सिंह, सेक्रेटरी क्राइस्ट चर्च। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं और आप क्राइस्ट चर्च गोरखपुर में हैं और ये गोरखपुर का प्राचीनतम चर्च है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी अपनी आस्था लेके यहाँ आए हैं। कुछ लोग कैंडल जलाने आ रहे हैं, कुछ लोग फ्लावर लेके आ रहे हैं और कुछ लोग फ़ोटोएँ खींचने आ रहे हैं। तो इस तरह से लोग मिला जुला के सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं और क्रिसमस को जॉयफुली इन्जॉय किया जा रहा है यहाँ पर। और क्रिसमस का संदेश ही ये है कि लोग मेल मिलाप और भाईचारे से रहें। और कल रात में वॉच नाइट सर्विस 11 बजे हुई थी और सवेरे मेन सर्विस जो चर्च लगा था वो 9 बजे लगा था और शाम को 8 बजे आखिरी प्रेयर करके चर्च क्लोज कर दिया जाएगा।